हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्टूडेंट मीट यूट्यूब चैनल में। और आज भैया मैं गुणनखंड जो करा नहीं रहा हूँ आपको सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, इसमें आपको आंसर चेक करना सिखाऊंगा भैया। आंसर चेक, इसे आप पूरा क्लियर कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। एक ट्रिक है यार, हैक है, बिल्कुल हैक क्या है यार, बिल्कुल जो आप कंडीशन लगाते हैं वही कंडीशन को मल्टीप्लीकेशन करना है, बाकी कुछ भी ट्रिक है हैक्स कुछ नहीं होता है, सब मैथ से टोटल आपका बना हुआ। तो पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20, ये क्वेश्चन आपका। दैट मीन्स पहचाने का तरीका क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है, बने इस समय कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पॉइंट्स है तो इन संख्याओं से हमें मतलब है। अब देखो कैसे मतलब है हमको, या इससे सॉल्व कर लो या इस संख्या सॉल्व कर लो। सर आप तो क्या कह रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं जो जोड़ने पर कितनी आए, 9 आए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर 20 आए, या ऐसी दो संख्याएं जो मल्टीप्लिकेशन पे बाद वही मल्टीप्लाई करके या गुणा करके 20 आए, ऐड करने पर 9 आए। आप बोलेंगे सर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं, बराबर 9 होता है, ठीक है। आप थोड़ा अपना दिमाग इसमें लगा लो सर कि 5 × 4 आपका 20 होता है, 5 + 4 9 होता है। आप बोलेंगे सर 7 + 2 भी 9 होता है, हाँ भी होता है, 6 + 3 भी 9 होता है, सर होता है, बहुत ऐसे नाम चलते जाएंगे। बट इसमें दिमाग कैसे लगाना है, दिमाग का मतलब है कि आपको समझना कैसे है कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखो 5 + 4 है, इसका मैं 5 × 4 करूँगा ना तो आपको 20 आएगा, जाहिर सी बात है, आएगा नहीं आएगा 20 आएगा सर, 20 आएगा, नॉर्मल सी बात है। 5 + 4 = 9 आ रहा है, 5 × 4 = 20 आ रहा है, कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रही है। आ जाओ नीचे, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा प्लस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 4 लिख करके लिख सकते हो सर, एक्स तो साथ में रहेगा तो प्लस का 20, डन। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20, सो एक्स की मल्टीप्लिकेशन की हमने अंदर, कोई अदर काम इसमें नहीं किया। एक्स को सर मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा एक्स प्लस 5, प्लस 4 को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा मेरा एक्स प्लस 5। नॉर्मल सी बात है, कॉमन लेने का मतलब होता है हम जैसे भाग कर रहे हैं, और जैसे मैंने फ्रस का 4 कॉमन लिया है, इस संख्या से, इतनी संख्या से, इस संख्या से x कॉमन लिया है, तो समझो एक ट्रिक के लिए 4x प्लस का 20 है तो 4x/4 हो जाएगा, प्लस 20/4 हो जाएगा, बस तो जितने हमने कॉमन लिए ना उस संख्या के नीचे आ जाते हैं, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात समझो, जो संख्या हम कॉमन ले रहे हैं ना वो उस संख्या के नीचे आ जाती है। जैसे 4 से 4 कट गया तो एक्स प्लस का कितना बचा, 4 × 5 = 5 बचा। दूसरी ट्रिक ये है कि जो संख्या यहाँ पर होगी हमारी वही संख्या हमारी यहाँ पर होगी, तो यहाँ से मैं एक्स और 5 को ले रहा हूँ कॉमन, अंदर बचा, तो यहाँ से अगर एक्स प्लस 5 चलेगा तो अंदर यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ से चलेगा तो एक्स प्लस 4 बचा, कुल मिला के मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 4। अब आ जाओ इधर, ठीक है, एक्स प्लस फाइव दूसरी है एक्स प्लस 4। अब सर इसका आंसर चेक करके बताओ, हमें तो नहीं आता, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, टेंशन मत लो। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, सेम वही आंसर आता है, एक्स एक्स की करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से 4 की करो तो प्लस का 4x हो जाएगा, 5 से x की करो तो 5x हो जाएगा, और 5 की 4 से करो तो प्लस का 20 हो जाएगा। मतलब पहले x की हमने x से की, फिर 4 से की, 5 की फिर x से की, फिर 4 से की, ये हमने नॉर्मल किया, तो x स्क्वायर तो ये हो गया। x x वालों को जोड़ो, पहले हम x स्क्वायर वालों को लिखते हैं, फिर हम x x को जोड़ के लिखते हैं, तो 5x + 4x प्लस का 9x हो गया, और ये प्लस का 20 हो गया। आंसर देखो सेम आ रहा, नहीं आ रहा, मैच कर रहा है, नहीं आ रहा है, मैच कर रहा है। हाँ सर, अब हम ट्रिक सीख गए कैसे क्या करना है, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है, से मल्टीप्लाई करना है वो आपको पहले से ही आना चाहिए। क्लियर पॉइंट, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15, 15 को कैसे तोड़ सकते हैं या 8 को कैसे लिख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो करता डायरेक्ट ही जाके 5 × मुझे पता है 5 × 3 = 15 होता है, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि 5 + 3 = 8 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई, ऐड करने पर 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। ओके, तो जब कंडीशन हमारी यही सेटिस्फाई हो गई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 3 x + 15, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर
प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। x को मैं यहाँ से ले लूँगा कॉमन, तो x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 3 मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो x प्लस 55 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी कि सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आती हैं, तभी हमारा क्वेश्चन यहाँ से पता चल जाता है कि ठीक है एक तरीका ये भी हमारा। तो x प्लस 5 और x प्लस 3 ये तो हमारे आ गया आंसर। अब आंसर चेक कैसे करते हैं वो समझो, आंसर चेक कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर चेक कैसे करते हैं बताना। तो x से इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो x की पहले करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से तो 3x, प्लस लगाया 5 की x से तो प्लस का 5x, 5 की 15 से प्लस का 15, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस का 8x प्लस का 15, देखो आ गया आंसर ये वाला। देखो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 को मैं देखो ये तो नॉर्मल है यार, ये नॉर्मल कैसे है, मच्छर मर गया अभी के अभी, ये नॉर्मल कैसे है देखो, 2 इंटू 2 करोगे फिर 4 आएगा, 2 प्लस 2 करोगे फिर 4 आएगा, भैया इसका तो कोई दूसरा चांसेस नहीं है, 2 ही 2 ही है। तो मैंने इसको कैसे लिखा, 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 ऐसे इसको लिखा, तो एक्स स्क्वायर मेरा सेम रहेगा प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4, ओके एक्स हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो एक्स प्लस 2 बचेगा ओनली, क्योंकि यहाँ से 1x कॉमन आ जाता है, प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स प्लस 2 आ गया, देखो सेम आ गई वैल्यू, सेम आ गई, तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 में दो वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आई भैया निकल के, वैल्यू हमारी सेम आई है एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, कोई बात नहीं आ जाओ। देखो एक्स एक्स की तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 2 से एक्स की तो प्लस का 2x और 2 से 2 की तो प्लस का 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, देखो आंसर जो हमने निकाला था क्वेश्चन का वही आ रहा है ना, देखो आ रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 आ गया। ये वाला आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, होमवर्क का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जाके कि सर इसका मैं ये वाला आंसर आया, आंसर भी चेक किया वो ठीक गया, तो ये मुझे बताना जरूर, मैं कमेंट तो आपको पढ़ूंगा ही सब, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपने कमेंट किया, लाइक किया, वीडियो को सब्सक्राइब किया चैनल को, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप विजिट कर रहे हैं, ठीक है तो आपको सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, क्योंकि अब आप अगर जुड़ गए हैं आपको समझ में आ गया है ना, तो सब्सक्राइब तो करके जाएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करके जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड गिव अस ए कमेंट, चूँकि मुझे लगे हाँ कि आपको क्लियर हुआ है पॉइंट।